हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीएसआर देवा और मेरे यूट्यूब चैनल डीएसआर देवा म्यूजिक में आप सभी का स्वागत है, जहां आपको मिलते हैं म्यूजिक से रिलेटेड वीडियोस। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मोबाइल में व्हाट्सएप में आने वाली एक्सप्रेस 30 के इंडियन टोन्स बैकअप कैसे पेन ड्राइव में कॉपी करना है और उन बैकअप को कैसे एक्सप्रेस 30 कीबोर्ड में इंस्टॉल करना है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिए, जरा सा भी मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब हमें करना क्या है, ये पेन ड्राइव जो है इसे ओटीजी कनेक्टर के थ्रू इस मोबाइल से हमें कनेक्ट कर देना है। ये मैंने कनेक्ट कर दी। अब देखिए ऊपर ऑप्शन आ गया एक एज यूएसबी ड्राइव, ठीक है। आपके मोबाइल में अलग ऑप्शन आ सकता है। अब देखिए हम व्हाट्सएप पर देख लेते हैं हमें कौन सी फाइल्स कॉपी करना है। तो ये है, देखिए डीएसआर देवा एक्सप्रेस 30 इंडियन टोन्स, यहाँ पे लिखा हुआ बिन और यहाँ पे लिखा हुआ एसबीडी, ठीक है। तो इन दोनों फाइलों को हम डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए 49 MB की फाइल है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में। डाउनलोडिंग हो रही है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी दो फाइलें डाउनलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मैं व्हाट्सएप को क्लोज कर दूंगा और अब मैं जाऊंगा फाइल मैनेजर में। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरे मोबाइल का फाइल मैनेजर, ये आपको दिख रहा है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारा फाइल मैनेजर ओपन हो गया। ये है एक्सटर्नल स्टोरेज, जो पेन ड्राइव ने लगाई ना ये यहीं पर है। ये देखिए 32 GB बता रहा है, इसको ओपन करूंगा। अब देखिए हमें फाइल को कॉपी कहाँ करना है, ये रोलैंड का फोल्डर है, यहाँ पर अंदर जाएंगे XPS1, फिर ये बैकअप, हमें यहाँ पे फाइल को कॉपी करना है। तो अब हम वापस बैक करेंगे, जो हमने बिन और SVD बैकअप डाउनलोड किया है ना, वो इंटरनल में आएगा। इंटरनल पे जाके हमें जाना पड़ेगा व्हाट्सएप पे। तो ये है व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप के अंदर यहाँ आप जाएंगे मीडिया पे, मीडिया में या व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स, ये ओपन करना है। तो देखिए ये आपको यहाँ पर फाइल दिख रही है, दोनों फाइल। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे। ये देखिए ये है ऑप्शन कॉपी का, ठीक है। तो ये हमने कॉपी कर लिया। अब बैक करके हम अपना एक्सटर्नल स्टोरेज खोल लेंगे, जहाँ हमें अपने फाइल को कॉपी करना है। तो देखिए ये है रोलैंड, ये ओपन किया हमने XPS, फिर ये बैकअप फोल्डर, और यहाँ पे हम कर देंगे ये पेस्ट। तो दोस्तों देखिए ये हमारी फाइल कॉपी हो गई। एक बार आप फिर से देख लीजिए, ये हमने जो फाइल डाउनलोड की है, ये दोनों फाइल, ये व्हाट्सएप की फाइल कहाँ पे आएगी मैं आपको बता देता हूँ। ये फाइल मैनेजर ओपन करना है, फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद इंटरनल स्टोरेज, और फिर जाना है व्हाट्सएप। ये है व्हाट्सएप में, यहाँ गए, फिर मीडिया, और मीडिया के बाद आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स में, व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स, इसको ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको ये फाइल्स दिख जाएगी, ये दोनों फाइल्स हैं, इन दोनों फाइल्स को आपको कॉपी करना है। ये देखिए मेरे मोबाइल में ये है कॉपी का ऑप्शन, कॉपी किया, फिर बैक कर देना है और जाएंगे हम एक्सटर्नल स्टोरेज में। यहाँ पे रोलैंड नाम का फोल्डर है, ये हमारी पेन ड्राइव खुली हुई है, ये ओपन किया, फिर ये XPS ओपन किया, और फिर बैकअप यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैंने पहले ही पेस्ट कर दिया है, बस आपको इतनी ही प्रोसेस करना है, फिर इसे क्लोज कर देना है और अपनी पेन ड्राइव को आप निकाल लीजिए। तो ये पेन ड्राइव है जिसमें हमने दोनों फाइलें कॉपी कर दिए, SVD और बिन फाइल, दोनों फाइल कॉपी कर दी। अब हम अपने एक्सप्रेस 30 में इस पेन ड्राइव को लगाते हैं। तो दोस्तों हमने अपने पेन ड्राइव में मोबाइल से जो इंडियन टोन्स का बैकअप है वो हमने कॉपी कर लिया है। अब इस पेन ड्राइव को मैं कीबोर्ड में कनेक्ट कर दूंगा। ये मैंने पेन ड्राइव कनेक्ट कर दिया है, अब मैं कीबोर्ड को बंद करके फिर से चालू करूंगा। तो यहाँ पे हमारा कीबोर्ड चालू हो गया है। अब मैं जाऊँगा इस मेनू बटन पे, इसको एक बार प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ गया एडिट यूटिलिटी। तो हम जाएंगे यूटिलिटी पे, कर्सर के नीचे वाले बटन से, ये देखिए हम यूटिलिटी पे आ गए। अब हमें एंटर का बटन प्रेस करना होगा, ये एंटर। अब देखिए ये कीबोर्ड हमसे पूछ रहा है कि आपको बैकअप बनाना है, जो कीबोर्ड में टोन्स हैं
उनका बैकअप पेन ड्राइव में बनाना है, रिस्टोर करना है, पेन ड्राइव से वापस देना है, तो हम रिस्टोर पे जाएंगे, ठीक है। तो नीचे का बटन है इसको दबाएंगे और फिर एंटर बटन। तो देखिए जो फाइल हमने मोबाइल से कॉपी की थी DSR देवा एक्सपीएस 30 इंडियन टोन्स, तो वो हमें यहाँ पे शो कर रही है, ठीक है। अब आपके पास बीन फाइल और SVD फाइल दोनों होना चाहिए, तो आपकी प्रोसेस पूरी 100% होगी। यदि आपके पास बीन फाइल नहीं है, सिर्फ SVD फाइल है, तो 99 पे आके एरर हो जाएगी, लेकिन टोन्स आ जाएंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, एंटर का बटन प्रेस करना है। अब कीबोर्ड हमसे पूछ रहा है आर यू श्योर, क्या आप कंफर्म है बैकअप वापस लेने के लिए, तो मैं एरो का ये वाला बटन दबाऊंगा, जिससे क्या है ये ओके पे आ जाएगा। देखिए ओके पे आ गया, अब हम वापस एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए हमारी प्रोसेस होने लग गई। अब देखिए 99 पे है, यदि आपके पास बीन फाइल नहीं है तो 99 पे अटक जाएगा और एरर बताएगा, और यदि बिन फाइल और SVD फाइल दोनों हैं तो 100% शो हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा आप, इसमें थोड़ा समय लगेगा, ये हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अब वो आपसे कह रहा है प्लीज शट डाउन, कीबोर्ड को बंद करें, तो मैं कीबोर्ड को यहां से वापस बंद कर दूंगा। अब आप चाहें तो पेन ड्राइव को निकाल सकते हैं या फिर लगी भी रहने दे सकते हैं, मैं लगी रहने दूंगा। अब मैं वापस चालू करूंगा, मैंने चालू कर दिया, ये हमारा एक्सपीएस 30 चालू हो रहा है और ये हमारा चालू हो गया, ठीक है। तो अब मुझे टोन्स देखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो आप चाहें तो पैच में ये लाइट जल रही है ना, पैच परफॉर्मेंस, तो आप इस बटन को दबाएं, ठीक है, ये लाइट जल गई। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए ये प्रीसेट दिख रहा है, तो इस एरो बटन को इधर कीजिए और प्रीसेट की जगह यूजर करना है, तो हम इस सर्कल को एक बार घुमाएंगे। ये देखिए यहाँ पे यूजर लिखा हुआ आ गया, दिख रहा है आप लोगों को, और ये देखिए वाइब्रोफोन, ठीक है। और हम टोन्स देखते हैं, तो हम इस एरो को यहाँ काउंटिंग के ऊपर करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ऊपर गया वाइब्रो वाइट। अब इसको हम बदलेंगे, तो देखिए पियानो न्यू प्लग साउंड ड्यूल सीमर सौरमंडल बेंजो मंडोलिन 60 प्लग संतूर राज स्ट्रिंग, तो जो भी हमारे टोन्स हैं वो सारे इस कीबोर्ड में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स यही प्रोसेस आप लोग को अप्लाई करना है, आपके कीबोर्ड में सारे टोन्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। यदि आप जरा सी भी इस वीडियो को स्किप कर देते हो और कोई सी प्रोसेस यदि आपने कंप्लीट नहीं की, तो आपके कीबोर्ड में एरर आ जाएगा, टोन्स आएंगे नहीं अच्छे से। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ टोन्स प्ले करके भी बता देता हूँ जो मैंने फेवरेट में सेव करके रखी है। देखिए फेवरेट बटन है, मैं इसको क्लिक करूँगा, लाल लाइट हो गई और यहाँ के भी सारे बटन लाल लाइट से जलने लगे। देखिए ये बंद, ये चालू, ठीक है। तब हम सबसे पहले आपको पियानो प्ले करके बताते हैं। अब संतूर, अब सितार प्ले करके बताता हूं, सितार दिखेगा आप, अब बेंजो, तो दोस्तों ऐसा हमारे कीबोर्ड में सारे टोन्स आ जाएंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है।